लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, बीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र, आज की परेड का नेतृत्व दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार कर रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं। भवनीश कुमार दूसरी पीढ़ी के अधिकारी को 16 दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में कमीशन किया गया था। 50 आई पैरा ब्रिगेड के तहत दो बार सेवाएं देने के अलावा इनका प्रकाश दिखता हुआ। अब आप जरा आसमान की तरफ निगाह डाल लेते हैं, निगाह डाल ले और ये जो अभी आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं इसको ध्वज फॉर्मेशन कहते हैं और ये कर्तव्य पथ पर आसमान से ध्वज को लेकर के जो हमारे वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह ध्वज फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग एक चीज खास जो देखने को मिली है वो जीप देखेंगे तो स्पेशल टाइप की स्टील की बनी हुई है। पहले वो भोजी कलर की होती थी जो अब की बार कमांडर जो परेड कमांडर हैं डिप्टी कमांडर हैं उनकी जीप जो है आप एक विशेष रूप की नजर आ रही है जो भी एक बहुत भव्य नजर आ रही है इस दृश्य में। बिल्कुल जमीन से आसमान तक देखिए भारत की ताकत को आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया जनरल भवनीश कुमार को आप देख सकते हैं BSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र। पुष्प वर्षा के साथ यहां पर शुरुआत हो चुकी है परेड की एक एक करके ठीक पीछे अभी आपने इसके ठीक पीछे जी जो ध्वज फॉर्मेशन से आपने देखा उसके साथ ये पुष्प वर्षा आसमान से हमारे वीरों का स्वागत करते हुए और इस समय ये विहंगम दृश्य आज जो आप इसके साथ साक्षी बनेंगे उसमें 29 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे, उनके साथ 8 ट्रांसपोर्ट फ्लीट का जो है वो हिस्सा भाग लेंगे और 13 इसमें 13 जो है वो MI-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ इसमें दूसरे एक विंटेज नेवी की तरफ से एयरक्राफ्ट भी भाग लेगा। टोटल 51 बिल्कुल एयरक्राफ्ट जो है वो इसमें भाग लेंगे और इस वक्त आप देख रहे हैं परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेता परेड कमांडर का अनुकरण कर रहे हैं और इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता शामिल हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और इसके अलावा सूबेदार मेजर संजय कुमार, अशोक चक्र से सम्मानित विजेता मेजर जनरल CA पिछावला और कर्नल डी श्री राम कुमार को भी हम यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और सूबेदार मेजर संजय कुमार और इसके ठीक पीछे पीछे अब से कुछ ही क्षणों में फ्रांस का मार्चिंग दस्ता भी आपको नजर आएगा। पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला कर्नल जी श्री राम कुमार को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र विजेता परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। और इस वक्त आप फ्रांस की सेना का मार्चिंग दस्ता भी देख सकते हैं। संयुक्त बैंड है आज की परेड का एक और मुख्य आकर्षण जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्रांसीसी सेना का बैंड दस्ता। ये एक उल्लेखनीय तथ्य है कि पेरिस में 2023 की बास्टिल डे परेड में भारतीय सैनिकों और विमानों की प्रतिभागिता के कुछ महीनों बाद ही आज हम यहाँ पर कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सैनिक और विमान देखेंगे। लगभग 115,000 पुरुष और महिला सैनिकों की मजबूत फ्रांसीसी सेना और यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के अधिकांश सैन्य अभियानों में हिस्सा ले चुकी है। आज हमारे सामने मार्च कर रही फ्रांसीसी टुकड़ी विशेष रूप से फ्रांसीसी विदेशी सेना से संबंधित है, जो कि भारत सहित दुनिया भर से लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों की एक प्रसिद्ध और अद्वितीय सेना है।
यू कैन सी इन द फर्स्ट रो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसीसी विदेशी सेना, जिसमें 30 संगीतकारों का एक बैंड भी यहाँ पर है, कैप्टन खुर्दा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और इनफैक्ट पारंपरिक संगीत। In last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here. The French troops and aircraft. And we can hear यहाँ पर बताएं कि विदेशी सेना का संगीत बैंड हर साल लगभग 70 सेवाओं में हिस्सा लेता है, जिसमें विदेशी सेना और सेना के आउटरीच कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के तौर पर लगभग 15 संगीत कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। फ्रांस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेना राष्ट्र लिंक को सुदृढ़ करती है, और हर साल ये बैंड पेरिस में बेसिल डे परेड में हिस्सा लेता है। इसके बाद रफाल फॉर्मेशन सर, रफाल फॉर्मेशन अभी आपके सामने आएगा, और ये बाज फॉर्मेशन के रूप में हमने जो हमारे इंडियन नेम्स हैं उनको रखा हुआ है, वो भी ऊपर से गुजरेंगे, और इसके साथ साथ जगुआर होगा MiG-29, इसके साथ C-130, और इसके साथ साथ जो हमारा लेटेस्ट इंडिया का तेजस है उसकी भी आप आवाज़ देखें। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर सेना के दस्ते एक्सिट कैवलरी आज कर्तव्य पथ पर सेना मैकेनाइज्ड कॉलम का नेतृत्व करने वाली पहली सेना टुकड़ी एक्सिट घुड़सवार सेना की है, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत कर रहे हैं। 1953 में गठित एक्सिट कैवलरी सभी स्टेट हॉर्स कैवलरी यूनियन के सम्मेलन के साथ पर दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है, और इसे 23 दिसंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला करते हुए इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने का अनूठा गौरव भी हासिल है। इनका आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल, जिसका मतलब है अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च।